प्रायोजक हैं, अब इंडिया बनेगा टफ। टफ कौन 600 HCR। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और भारत में इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है लॉकडाउन। देश में लॉकडाउन 3.0 खत्म ही होने वाला है और हमारी कोशिश है कि इस दौरान आपका पूरा ख्याल रखा जाए। आपको तनाव से दूर रखने और आपको एंटरटेन करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बंद है, तो इसी कड़ी में खास कार्यक्रम घरबंदी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं लोक गायिका संजोली पांडे। संजोली ने पारंपरिक गीतों को नई आवाज दी। वे भोजपुरी, मैथिली और अवधी गानों की जानी मानी गायिका हैं। संजोली के गीत दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। आज संजोली खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बातें करेंगे, लॉकडाउन में उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी उनसे साझा करेंगे और हम जानेंगे कि संजोली लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ कर रही हैं। तो सीधे बात करते हैं संजोली से। संजोली, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। नमस्ते सभी को, मैं संजोली प्रणाम करती हूँ सभी दर्शकों को, जी बिहार झारखंड के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। बिल्कुल संजोली, पहला सवाल तो यही है कि लॉकडाउन में आप क्या कर रही हैं, क्या रूटीन है और किस तरीके से अपने रियाज को, गानों की प्रैक्टिस को और दर्शकों से कैसे जुड़ रही हैं आप लॉकडाउन में? जी, सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक लोक गायिका हूँ और एक लोक गायिका होने के नाते समाज के प्रति मेरे कई सारे उत्तरदायित्व भी बनते हैं इस कोरोना महामारी के दौर में। तो आजकल मेरा भोर से उठने के बाद, रियाज के बाद मेरा यही होता है कि मुझे कई सारे पेजेस पे लाइव आने होते हैं अपने पेज के साथ, अपने सोशल मीडिया के साथ। तो कई सारे पेजेस के माध्यम से, कई सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मैं समाज के लोगों से रूबरू होती हूँ, उनका गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन करती हूँ, उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ और उन्हें इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपील करती हूँ। जी बिल्कुल संजोली, हम चाहेंगे कि आप अपनी इसी खदकदार आवाज में कोई मीनिंगफुल लोकगीत गा दें ताकि आपके दर्शक भी खुश हो जाएं, उन्हें एक मैसेज भी मिल जाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो चूंकि आजकल ये जो दौर चल रहा है, ऐसे में लोगों की मनोदशा जो है, स्थिति है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि परेशानी वाली है, लोग परेशान है। ऐसे में गीत के माध्यम से मनोरंजन करती हूँ, तो आइए आपको सुनाती हूँ एक प्यारा सा गीत, भजन सुना रही हूँ मैं, भजन से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि भजन के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है, तो वही मैं आपको सुना रही हूँ। अज्ञान के हो अधेरे, रोशनी दे, हर बुराई से बचते रही हम, जितने भी दे भरी बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। क्या बात है, बहुत खूब। पास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, फिर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत खूब संजोली, क्या बात है। प्रेरित करती हूँ उन्हें कई सारे और भी भजन और सारे लोकगीत हर दिन मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस वक्त लोग भजन तो कर ही रहे हैं लेकिन म्यूजिक से उनका डिप्रेशन दूर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग अपने घरों में हैं और जो तनाव से जो लड़ना होता है, तनाव से जो लड़ाई होती है, उसमें संगीत एक बड़ा जरिया है उससे लड़ने का। तो उनके लिए क्या भजन के बाद जो आपकी अगली पेशकश होगी वो क्या होगी? चाहूंगी क्योंकि मुझे भी हमेशा ये बात मैं बोलती हूँ लोगों को कि जैसे राग मालकोस गाते हैं तो तनाव दूर होता है, राग शिवरात्रि गाते हैं तो अनिद्रा हमारी दूर होती है, ऐसे ही राग भैरवी चढ़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। क्या बात, तो बिल्कुल म्यूजिक एक थेरेपी है। और इसीलिए अब जो दर्शक अपने अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन 3 जो है वो खत्म होने की कगार पर है, चौथा लॉकडाउन अब शुरू होगा, तो उन दर्शकों के लिए जो इतने दिनों से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बंद हैं, उनके लिए कोई आपकी पसंद का गीत जो आपको बहुत पसंद हो, दर्शकों को भी पसंद हो, आपकी आपके गाया आपका गाया वो गाना। जी, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि मैं हर दिन लाइव आती हूँ
और एक मेरा यूट्यूब चैनल का गाना जो हर दिन फरमाइश आती है कि संजोली ये गीत सुना देते, वो मैं अपने दर्शकों को सुना रही हूँ जी। किया मामा मामा हुआ वह के झूमे डरिया, आमा मामा हुआ वह के झूमे डरिया, काने तादालम बलम हमार उरिया, काने ताकालम सजन हमार उरिया, महुआ बिना हम कैनी महुआ मर उरिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये गाना कितना करीब है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। संजुली, संजुली हमें ये बताइएगा, आपने गाना गाया, एंजॉय किया, लोगों को, समाज को संदेश भी दिया, लेकिन आपको बिहार और यूपी में मान भी बहुत मिला है, आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, क्या कहेंगी आप इस इतनी ख्याति को लेकर? बिल्कुल, आप सब भी देख सकते हैं, वैसे तो फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन इतने सारे अवार्ड्स मुझे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं कि अभी तो घर में बिल्कुल रखने की जगह भी नहीं है। तो संजुली में ये बताइएगा, देखिए हमारा चैनल है जी बिहार झारखंड, बिहार के लोग, झारखंड के लोग जानना चाहते होंगे, आप यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन बिहार झारखंड के साथ कैसा कनेक्शन है आपका? भाई मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मुझे तो बिहार के लोगों को लगता है कि मैं प्योर भोजपुरिया हूँ, मैं बिहार की हूँ, सभी को लगता है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, झारखंड के लोगों को लगता है कि मैं यही कहीं आसपास की हूँ, लेकिन मैं हूँ उत्तर प्रदेश के भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हूँ। क्या बात। और चूंकि इतनी मीठी बोली है और मेरा जुड़ाव कब से हो गया, क्योंकि अवधि में बोलती हूँ, अवधि मेरी मातृभाषा है, अवधि और भोजपुरी कह सकते हैं कि बहने बिलने हैं, तो भोजपुरी हमारी मौसी हुई, अवधि की बहन है भोजपुरी, तो हमारी एक तरीके से रिश्ते में मौसी हुई, और मौसी से कह सकते हैं बहुत लगाव होता है, इसलिए भोजपुरी से कब लगाव हो गया मुझे पता भी नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल। संजुली हम यहाँ पर चाहेंगे कि आपने बहुत ही प्यारा सा गीत गाया है, खेतवा में सोहे किसान हो, शायद यही करीब करीब लिरिक्स है, हम चाहते हैं वो जरा आप सुना दीजिए हमें। जी बिल्कुल सुनाती हूँ, चूंकि इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए काम कर रहे थे वो है हमारे किसान भाई लोग। बिल्कुल। और कहते हैं कि अनाज हम तक पहुंचता रहे तो हम जिंदा रह सकते हैं, और कोरोना के इस महामारी में सबसे ज्यादा जिन्होंने साथ दिया वो हमारे देश के वीर जवान, जो पुलिस कर्मी है, जो नर्सेज है, हमारे लिए काम किया, और हमारे देश के किसान, तो जय जवान जय किसान। अरे खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे से बनवा, खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे से बनवा, लहर से मन मरमा, लहरे से बनवा, लहर से मन मरमा, लहरे से बनवा, खेतवा में सोहे किसान हो जब लहरे से बनवा, खेतवा हमार बाटे सोने के चिरैया, खेतवा हमार बाटे सोने के चिरैया, एनही से दिसवा महान हो, अरे एनही से दिसवा महान हो।
लहर लहर मार तलवा तलैया ए नहीं सीध समा महान वो। किसानों से ही हमारा देश महान है। क्या बात। अरे ए नहीं सीध समा महान वो, जब लहर से बनेवा कितमा में सोहे किसान वो, जब लहर से बनेवा हाँ जब लहर से बनेवा से। बहुत खूब संजोली, क्या खूब गाया है आपने, और देख रहे थे कि दर्शकों की भी पसंद है इस गाने की। जिस इंडस्ट्री में आप हैं संजोली, यहाँ पर आसान होता है शॉर्टकट तरीके से जिस तरीके से गाने मार्केट में पसंद किए जा रहे हैं उसी को गा के आप भोजपुरी फिल्मों में भी गा लिया और उपलब्धि तुरंत मिल गई, लाखों व्यूज मिल गए, तो उसको छोड़कर आपने ये जो लंबा रास्ता अपनाने की सोची आपने कि लोकगीत गाने हैं, पारंपरिक गाने गाने हैं, ये कहां से सोचा आपने और ये रास्ता आपने क्यों चुना? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि ये जो मेरा संगीत का सफर रहा है ये कह सकती हूँ कि बहुत लंबी यात्रा रही। जैसे शॉर्टकट में मैं चाहती तो रास्ता अपना कर और आज एक मुकाम पर होती, लेकिन मुझे था कि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही पहुंचना है, क्योंकि घर परिवार संस्कार मिले हैं, माता से पिता से ऐसे संस्कार मिले हैं, और उससे भी ज्यादा मुझे अपनी मातृभाषा से, अपनी बोली से, अपने परिवार के संस्कारों से प्रेम है कि मैं इसे डुबो नहीं सकती। और एक नारी होने के नाते मैं हमेशा ऐसे साफ सुथरे गीत गाना चाहती हूँ जिसे सुनकर महिलाओं को शर्मिंदा ना होना पड़े और समाज को जागरूकता हो, समाज को कुछ सीख मिले। बिल्कुल संजोली, महेंद्र मिश्र का एक गाना है जो आपने गाया है आपके YouTube चैनल पे, मैंने देखा, पटना से वायदा बुलाए दे, अगर आपको याद हो तो आप ये सुना सकते हैं दर्शकों के लिए हमारे। माफी चाहती हूँ, एक्चुअली ये महेंद्र मिश्र जी का नहीं है, शारदा सिन्हा जी का। संजोली, ये गाना बेसिकली उन्हीं का है, ये लोकगीत है और उनके गीत को ही शारदा सिन्हा ने गाया था। ये महेंद्र मिश्र भोजपुरी के सबसे बड़े गायक कहे जाते हैं। तो उनके इस गीत को मैं आपको सुनाती हूँ, पटना से बैदा बुलाएगा जी, और मेरा भी बड़ा प्रिय गीत है। अरे पटना से बैदा बुलाएगा वो नजरा गई नी गुइया, हाँ नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, पटना से पैदा बुलाईदा वो नजरा गई ने गुइया, छुटकी नदिया बड़ी सोतनिया, छुटकी नदिया बड़ी सोतनिया, नन दो के गवना कराईदा वो नजरा गई ने गुइया, पटना से पैदा नजरा गई नी गुइया, लहुरत वरमा मुझे ना मोरे बतिया, लहुरत वरमा मुझे ना मोरे बतिया, हे सासू जी समझाईदा वो नजरा गई नी गुइया, हे सासू जी समझाईदा वो नजरा गई नी गुइया, कि नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, पटना से बैठा बुलाईदा नजरा गई नी गुइया, पटना से बैठा बुलाईदा नजरा गई नी गुइया। बिल्कुल ऐसे ही पारंपरिक गीतों से आपके इन्हीं गानों के जरिए शादी ब्याह में बिल्कुल रौनक छा जाती है। संजोली का आपका एक और गाना है पिया करबे मुकदमा, कुछ ऐसा ही कोई गाना है, वो भी शादी ब्याह में खूब पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल हाँ, एक्चुअली जब मैं संस्कार गीतों का अपना एल्बम रिलीज कर रही थी तो मैं सोच रही थी हल्दी मेहंदी चुमावन बन्ना बन्नी ज्योनार इतने सारे संस्कार गीत है सबको तो गा ही रही हूँ, लेकिन काल पूजा के समय का गीत है कि वर पक्ष पे गहने नहीं आए हैं और उस पर मुकदमा करने की तैयारी हो रही है जो बन्ना बन्नी के अंतर्गत ही आता है, तो आपको हाँ। सुनाती हूँ दो लाइन। अरे कौना दिहला गहना हो पिया कर बे मुकदमा, बहुत खूब, कौना दिहला गहना हो पिया कर बे मुकदमा,
संजोली के साथ हमारे जो मुलाकात हो रही है, जो म्यूजिकल मुलाकात हो रही है, जिसकी जितनी तारीफ करें वो कम होगी। संजोली, हमने आपसे बहुत गाने गवाए हैं यहाँ पर, अब हम चाहते हैं कि जरा संजोली हमें ये बताए, अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को ये बताए, संजोली गाने गुनगुनाने के अलावा इस लॉकडाउन में क्या कुछ कर रही है, जिससे कि आपके दर्शकों को भी मैसेज मिले कि उनके पास भी ये ऑप्शन है। जी बिल्कुल, इस लॉकडाउन में मैंने एक तो मुझे पर्सनली गाना और खाना बेहद पसंद है, इसलिए मैंने इस लॉकडाउन में कई नई रेसिपीज मैंने ट्राई किया और कुछ में मैं 100% सक्सेस भी हुई, कुछ में नहीं भी हुई। तो मैंने इस लॉकडाउन में प्रॉपर तरीके से कई सारे नए डिशेज बनाना सीख लिया और दूसरा मैंने गाना लिखने का मुझे शौक है तो मैंने कई रचनाएं भी की है जो जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी को सुनने को मिलेगा। तो खाना और गाना, बस संजोली का यही दो है बहाना। मतलब संजोली के सरप्राइज का इंतजार करना चाहिए हमें। बिल्कुल संजोली, वक्त की कमी हमारे पास है और टाइम तो गाना तो ऐसा, अगर आपके गाने सुनते रहेंगे तो दिन भर कम पड़ जाएगा। लेकिन एक गाना जो हमारी तरफ से फरमाइश है आपके लिए और बड़ा हिट भी आपके चैनल पे, बड़ा रंगदार समधी। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बिहार में इस गीत के बिना विवाह ही नहीं होता है। क्या बात, माड़ो हिलाई का समधी आंगन में आए हैं माड़ो हिलाने के लिए, लेकिन उस समय समधी को टेक देना होता है और उसी समय का ये गीत है, मैं आपको सुनाती हूँ। जी अरे बांध के खोलाई समधी मांगे समधी निया से, बांध के खोलाई समधी मांगे समधी निया से, मड़वा में भीड़ भइल भारी, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। पहले का दौर था कि नेग में गाय भैंस दिया जाता था, लेकिन समधी ने मना कर दिया, ना ले बे गैया ना ले बे भैंसिया हो, ना ले बे गैया ना ले बे भैंसिया हो, हम तले पे चार पहिया गाड़ी, हम तले पे चार पहिया गाड़ी, बड़ा रंगदार समधी, ए हो उतली है चार पहिया गाड़ी, बड़ा रंगदार समधी, बांध के हिलाई समधी मांगे समधी निया से, बांध के हिलाई समधी मांगे निया से, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी, ए हो मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी, बांध के खुलाई समधी मांगे समधी निया से, बांध के खुलाई समधी मांगे समधी निया से, मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी, ए हो मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। ना लेहलन गैया ना लेहलन भैंसिया हो, ना लेहलन गैया ना लेहलन, तो शानदार संजोली, मजा आ गया सच में। अभी हम लोग अभी स्टूडियो में डिस्कस कर रहे थे, राजेश भी कह रहे थे कि आज का जो प्रोग्राम रहा है, हमारा जो एपिसोड रहा है, खास कार्यक्रम, 10 out of 10, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया संजोली पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज इसी बहाने मुझे एक चीज और नया जानने को मिल गया, मैं आज तक चूंकि शारदा सिन्हा जी, मालवीय अवस्थी जी को बचपन से सुनती आई, लेकिन आज मुझे एक और जानकारी मिल गई कि पटना से बैदा बुलादा जो इतना मैं
मंच के माध्यम से गाती, वो महेंद्र मिश्र जी की रचना है। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा बहुत सारी रचना, बहुत शुक्रिया संजोली हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए।